हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही सुंदर सा इयररिंग बनाना। और इसके लिए क्रोशेट थ्रेड का हमने यूज़ किया है। इसके साथ इसमें बीड्स भी यूज़ किए हैं। आप चाहे अपनी पसंद के कलर के बीड्स यूज़ कर सकते हैं। और एक मोटा बीड भी यहाँ पर हमने यूज़ किया है। साथ ये हुक्स जो अमेज़ॉन से बहुत ईजिली मिल जाते हैं। 2 mm का यहाँ पे क्रोशेट यूज़ किया है। साथ में आपको प्लास चाहिए और फैब्रिक रिल की, ये चाहिए आपको ग्लू और साथ में सीजर। तो अब इसको बनाना सीखना शुरू करते हैं। देखें, पहले हम इसमें उंगली पे लपेट के फिंगर पे 8 बल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको निकाल के अब इसको सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। सारे में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, इसे सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ऐसे बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो फिर बनाते हैं, अभी इसको कंप्लीट करते हैं पूरे कंप्लीट सर्कल करते हैं। को, हाँ जी, फिर उसके बाद सीखते हैं आगे। ये देखिए, ये हमने ये सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे। ये सर्कल बन गया। अब फिर हम दोबारा से ऐसे ही रिपीट करेंगे। एक चेन लेंगे, फिर हम दोबारा से ऐसे ही सर्कल, मतलब एक तरीके से उसको मजबूती देने के लिए हाँ ये मोड थोड़ा सा थोड़ा ठीक सा हो ठीक हो जाएगा। जाएगा, सेम जैसे हमने पहले किया था। अब ऐसे, पूरा हाँ सर्कल बनने के बाद अब इसको उसी एक प्रोसेस को दोबारा से हाँ कंटिन्यू जी, करके एंड तक लेकर आएंगे। हाँ जी, हाँ तो यहाँ तक लाने के बाद फिर आगे सीखेंगे। जी। ये देखिए, हमने ये सर्कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब फिर हम यहाँ से इसको एक चेन लेंगे और सेम सर्कल एक दफा और बनाएंगे, सेम ऐसे ही। मतलब एक सर्कल जब हमारा वो जो 8 बार के थ्रेड को लेकर बना था, उसके बाद हाँ एक बार हमने पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया, फिर हाँ उसके बाद एक बार उसी को और रिपीट बना, करा। हाँ तो ये ऐसा, ये थिक ऐसे आ जाएगा, ये थिक। ओके, इतना थिकनेस लाने के लिए हमने हाँ, उसको 2 टाइम्स घुमाया है। अब 3 दफा घुमाना है। वो हम ये 3री दफा घुमा रहे हैं, एक बार तो वो स्टार्टिंग वाला 8 वाला हो गया, 8 वाला। हाँ एक जी, बार ही जब हमने कंप्लीट सर्कल करने के बाद जब आपने करा, हाँ जी, और हाँ अब एक तीसरी बार ये। जी। चलो कंप्लीट करते हैं।
ये देखिए, ये हमने ये चेन एक बनाई थी ना, शुरू में एक चेन ली थी, ये यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं लाके हमने ये ख़त्म करना है। ये हो गया आपका हमारा कंप्लीट तीसरा सर्कल। ये देखो अब हम इसका ये बनाएंगे, इसके लिए हम 8 चेन लेंगे वहीं से ही जहाँ पर हमने हाँ उसको एंड किया है, एंड किया वहीं से ही हमारे 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में हम अब ये मोती बनाएंगे। ये देखो ये वायर है, बहुत ब्रिक वायर है, तो हाँ ये देखो आपको दिख रही है छोटी सी, बहुत ब्रिक वायर है। ये वो वाली वायर है जिससे हम सुई में धागा डालते हैं, उसका आगे का जो ये वायर है वो मैंने इसको तोड़ ली थी, ये वो वायर है। तो अब इस वायर से हम क्या करेंगे? इसे हम मोती आ गया। अच्छा, 8 वो करने के बाद हमने 8 चेन करने के बाद हमने एक मोती अंदर डाला और फिर थ्रेड के अंदर से ले लिया, फिर हमने इसमें से सिंगल क्रोशिया करना। ये तो बहुत ही आसान है और बहुत डिफरेंट है इयररिंग ये वाला, मतलब इसमें कोई सोच नहीं सकता कि इस तरीके से हम बना रहे हैं। बहुत आसान है। अब ये वाला इससे लिया था और इससे हम इस सांस साथ वाली वाला से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर 8 चेन बनाएंगे, एक अच्छा, और अब वैसे ही सेम हम दो दूसरा तीन बनाएंगे, चार फिर पाँच उसको भी छ सात ऐसे ही आठ बीट डालेंगे। हाँ जी, ये चार चारों ऐसे करना है, ये चारों ऐसे ही बनाना है, ऐसे एक के बाद बनाना एक है। के बाद हाँ एक। जी हाँ तो जी फिर ऐसा बनाते हैं अभी हम, हाँ जी फिर उसके बाद आगे का सीखेंगे। बिल्कुल। अब ये देखिए हम एंड पे आ गए, ये आखिरला फंदा है, इसको यहाँ से लिया हमने, इसको यहाँ से निकाल दिया, ये यहाँ से ले लेंगे क्योंकि हमारी शेप आ जाएगी। ये देखिए ये काट दिया, ये एक्स्ट्रा थ्रेड भी काट देंगे हम। बिल्कुल काट देंगे जी।
और साथ ही इसको मैं दो मिनट इसको सीधे करके इसको दिखाना चाह रही थी। ओके, ये हल्के से अगर कर्व भी हो रहे हैं तो कुछ भी अच्छे लग रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये तो अपने वो है कि बुनने से कर्व आ जाते हैं ना ये। यस, और ये भी ऐसे लग रहे हैं सेम। तो ये एक्स्ट्रा थ्रेड को हम बैक साइड में अब इसमें हम जो मोती लगाएंगे सेंटर में, ये अपने आप सूख के ग्लू सूख जाएगा। ग्लू सूख गया, हाँ जी। और ये सेम ऐसा ही लगेगा जैसा ये इयररिंग है, क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू है। इसका यही एक बेनिफिट है कि इसमें ग्लू एकदम से सूख जाता है, पता नहीं चलता। और इसका अब हम हुक भी लगा देंगे साथ में। हल्का सा उसको प्रेस सीधा करना, ज़्यादा सा प्रेस कर लो। वाओ, ये सुंदर सा हमारे पास इयररिंग का पेयर अब एक रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर और आप देखिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको इस तरह के आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।